हेलो नमस्ते, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? ऐसा करते बहुत ठीक से होंगे और ठीक से रहें, जहाँ रहें तहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हनुमान जी की कृपा आप सभी पे हमेशा बना रहे। तहे दिल से हम दुआ करते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पे हमेशा बना रहे और जहाँ रहें तहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों हम बना रहे हैं दरी, देखिए इतना बना के आज तीसरा दिन है, इतना बना के तैयार। जब भी काम से फुर्सत मिलता है तो थोड़ा तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पुराना कपड़ा बचा हुआ था, रखा हुआ था, इसको हम इस तरह काट ले रहे हैं, एक एक इंच लगभग पतला पतला, थोड़ा सा कैंची से काट के फिर इस तरह हम अलग कर ले रहे हैं। फिर बनाएंगे दरी। ये दरी वीडियो आप सभी को चाहिए तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी तरह से एक वीडियो अच्छे से आप सभी को के पास जो है शेयर करेंगे। तो अब इस तरह थोड़ा सा वीडियो में जोड़ दिए हैं, तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत अच्छे, बहुत मजबूत है और पुराने कपड़े बचे हुए कपड़े से बना रहे दरी, बहुत ही अच्छा है। फटे पुराने कपड़े के कतरन से बनाए बहुत ही मजबूत दरी। तो ये हमारे घर के बाहर का कुछ सीन है, कोई बात नहीं। यह अंदर बैठ के दोपहर है, गर्मी है तो बाहर नहीं बैठ के काम कर मिलता है। अंदर के दोपहर में हम लोग एक गांव के रहने वाले हैं तो दोपहर में यही सब काम कर लेते हैं, सुबह शाम बाहर का काम हो पाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे भाई बहन बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आप सब लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सबके बिना सपोर्ट मेरा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इसी तरह सपोर्ट आप सभी लोग करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। तो दोस्तों हम सब्जी में बना रहे हैं, परवल की सब्जी बनाएंगे आज। परवल खेत से तोड़ के लाए हुए थे, वो मुलायम है, इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो परवल धुल के काट लिए, टमाटर आलू प्याज सब काट लिए थे और फिर सरसों के तेल में थोड़ा सा परवल भून लिए हैं, भून रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम कढ़ाई से निकालेंगे ना, उसी में प्याज जीरा अदरक लहसुन ये सब तड़का छोड़ दे रहे हैं। अभी तो परवल भुना रहा है, तड़के में हम यही सब छोड़ेंगे, यहाँ रखे हुए हैं थाली में। आलू हम उबाल के बनाएंगे, आप सभी लोग कच्चा भी बना सकते हैं परवल के साथ, लेकिन हम उबले हुए आलू परवल के साथ बनाएंगे। इसे बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है दोस्तों, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, टेस्टी भी लगती है। परवल भूनो तो इसकी खुशबू बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुशबू तो खींच ले आता सब्ज़ी के पास। तो वही परवल के साथ प्याज जीरा लहसुन प्याज ये सब मेरा भुना गया। फिर टमाटर थोड़ा सा, ये टमाटर बहुत ज़्यादा खट्टा है दोस्तों, देसी टमाटर है तो थोड़ा सा छोड़ेंगे, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाएगा। तो परवल के साथ जो है टमाटर भुना गया, अब सबसे पहले डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा चला देंगे क्योंकि तो भुना जाएगा और टमाटर गल भी जाएगा। फिर कुछ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा मसाला, खाली हल्दी धनिया पाउडर ये छोड़ दिए हैं। फिर देखिए आलू उबाल के छील लिए हैं, तो इसे तोड़ दिए हैं।
सब्जी मसाले के साथ, सब्जी परवल के साथ ये भी आलू थोड़ा सा भून लेंगे। इधर गैस सिलेंडर तो स्लो है, इसलिए अब जा रहे पानी लेने। इधर भुना गया है सब्जी, पानी छोड़ दे रहे हैं। पानी आप सभी अपने हिसाब से छोड़िएगा, जितना आप सभी को ज़रूरत पड़ेगा तो पानी छोड़ के ढक देंगे। ढक के पका लेते हैं थोड़ी देर। देखिए दोस्तों, बहुत ही यम्मी टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुआ है। तो आ जाइए आप सभी लोग, यहाँ पे डाल दें धनिया पत्ती तो और सब्जी को चार चांद बना ही देता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।